सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। सितंबर अक्टूबर में हमने जो मेहनत की थी और अपना विंटर गार्डन तैयार किया था, उसके परिणाम हमें मिलने लगे हैं और तरह तरह के फूल हमारे गार्डन में इस टाइम खिले हुए हैं। गार्डनिंग में हमेशा कुछ ना कुछ काम हम करते ही रहते हैं, तो कुछ जब प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं उसके बाद फूलों को जो पुराने सूख जाते हैं उनको तोड़ना, या कोई उनकी पत्तियां मिट्टी के सरफेस में लगी हैं उनको हटाना, पुराने फूलों को तोड़ना, ये सब काम लगातार चलते रहते हैं और गुड़ाई और ये सब भी चलता रहता है। आजकल थोड़ा सा सर्दियां हैं और हमारा पानी देने का काम थोड़ा सा कम है, पर फिर भी काम लगातार चल रहा है। मेरी एक ये बाल्टी है काफ़ी बड़ी, काफ़ी सारी मेरे पास बाल्टियाँ थी तो मैंने इसको थोड़ा सा गार्डनिंग में इस्तेमाल कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें मेरे बहुत सारे प्लांट्स उगे हुए थे। ये लगभग बरसात से उगा हुआ प्लांट है, मुर्गा फूल जिसे बोलते हैं, शिलोशिया एमरेंथस कई नामों से इसे जानते हैं। और अब जैसे जैसे ये ठंड आएगी, अभी इसके फ्लावर तो सुंदर सुंदर लग रहे हैं, पर ये कुछ नीचे की तरफ के जो फूल आ रहे थे वो काफ़ी रंगहीन और अच्छे नहीं लग रहे थे, और इस पर थोड़ा सा ये और प्लांट्स के लिए छाया भी कर रहा था। इसमें बहुत सारे इस बाल्टी में उगे हुए हैं प्लांट्स, तो एक तो ये उगा हुआ था, ये मैंने आज इसे हटा दिया है क्योंकि मेरे पास ये प्लांट्स बहुत सारे हैं और थोड़े जैसे ही अब सर्दियाँ आएंगी तो ये लगभग समाप्त हो जाएंगे। और एक मेरे पास इसमें एक दोपहरी का एक फूल जो होता है वो भी इसमें लगा हुआ था, तो अब मेरे पास मैंने काफ़ी बीज कलेक्ट कर लिए हैं और मैंने इसे भी इसमें से हटा दिया है। और ये हैं इसकी जड़ें, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको निकाला है, कुछ जड़ें काट कर हटा कर भी मैंने इस बाल्टी में से इसको निकाला है, क्योंकि इस बाल्टी में अभी और भी प्लांट लगे हुए हैं। देखिए, एक ये पिछली बार का ही पालक का पौधा भी लगा हुआ है, और इसमें एक मेरी सफ़ेद अपराजिता भी लगी हुई है, और अभी मैंने एक प्लांट को बचा ही दिया है क्योंकि ये इसके सहारे खड़ी रहेगी। और इसकी एक ये अपराजिता की हमारी बीज भी बन गया है। तो ये फ्रेंड्स, इस तरह का बीज आपके पास बन गया है तो आप इसे हटा लें, और कुछ थोड़ा सा हरा भी है तो क्योंकि सर्दियां हैं तो उसको भी हटा सकते हैं और फिर सुखा लें, और अब फरवरी में, बस जनवरी फरवरी में इसको दोबारा से ग्रो कर सकते हैं और ये गर्मियों भर फ्लावरिंग करेगा। तो ये है सफ़ेद अपराजिता, इसलिए मैंने इसको बचा के रखा है, इसमें बड़ी मुश्किल से मुझे ये बीज मिला था। और इसी में एक मैंने एक बोगनवेलिया की कलम भी लगाई है और अच्छी ग्रो हो रही है, तो अगर मुझे उपयुक्त पोट मिला तो मैं इसी सीजन में इसको कहीं और लगा दूंगी। फिर ये गर्मियों में तो इसको हम दोबारा से इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, इसी सीजन में हम किसी प्लांट को लगा सकते हैं। और इसमें बहुत छोटे छोटे गेंदे के प्लांट भी उगे हुए हैं, और इसमें डेजी भी उगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे कुछ प्लांट्स के लिए मिट्टी भी चाहिए थी, तो ये काफ़ी बड़ी बाल्टी है और इसमें ये जो प्लांट लगे हैं इनके लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा है और ये बाल्टी बहुत बड़ी है। तो फ्रेंड्स, अगर इसी तरह से कोई बड़ा बर्तन हो और उसमें कम प्लांट आपके रह गए हों और आपको मिट्टी की ज़रूरत हो, तो आप इस तरह से कुछ बड़े प्लांट्स जो कि अब ख़त्म होने वाले हैं उनको हटा सकते हैं, जैसे मैंने इनको अभी हटाया है, और क्योंकि ये कुछ समय बाद तो हटी जाने हैं, इसलिए मिट्टी की ज़रूरत होने की वजह से मुझे चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इनको हटा दिया है। और ये जो मिट्टी काफ़ी बची हुई है तो इसको हम निकाल सकते हैं, इस मिट्टी को हम निकाल सकते हैं, और हमने कोई और प्लांट लगाना हो तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मिट्टी की कई भरपाई के लिए हम अपनी जो हमारी गार्डन सोयल है, जो हमारे पत्तियां हमारी गार्डन से निकलती हैं उनको हम यहाँ पर डाल सकते हैं,
और वो धीरे धीरे कंपोस्टिंग भी हमारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह की अगर आपकी पास सिचुएशन हो तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। मैं ये कर रही थी तो सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर कर लूं। और मेरे पास ये पुरानी जो मैंने अभी रेन लिली की सूखी पत्तियां हटाई हैं, सूखी हुई, तो इनको मैं, ये सूखे हैं, इनको डाल दूंगी यहाँ पर, ये देखिए। और मेरे पास बहुत सारे मैंने इस तरह के मैं पैकेट्स में इस्तेमाल इनको ये रख देती हूँ इकट्ठा करके। और अब मैं इसको इस तरह के, इसमें आलू के छिलके वगैरह भी हैं और कुछ फूल वगैरह भी सूखे उखे होंगे, तो उनको भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमारी ये कंपोस्टिंग भी होती रहेगी। और इसमें ये जो जगह खाली हुई थी ये इससे भर जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने प्लांट्स लगाते हुए साथ साथ में कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी इसके ऊपर आप मिट्टी की एक लेयर बिछा दें, इसी की जो निकाली है। तो इस तरह से भी आप अपने प्लांट्स के लिए मिट्टी बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी एक मूलभूत आवश्यकता है एक प्लांट के लिए। तो इस तरह से आप थोड़ी सी जगह में से थोड़ी मिट्टी निकाल कर उसमें सूखी पत्तियाँ डालकर उसको भर दें उस जगह को, और इस तरह से आपके पास मिट्टी भी बन जाएगी और साथ साथ आपकी कंपोस्टिंग भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह का प्रयास आप करते रहिए। देखिए, मैं इसी तरह से कुछ इस तरह से करती रहती हूँ काम, आप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।